क्या नहीं रिलीज किया जाएगा फिल्म को हिंदी भाषा में? फिल्म के हिंदी रिलीज को लेकर क्या कहा रामचरण ने? ये तो आप सभी को पता है कि आजकल साउथ सुपरस्टार रामचरण और अल्लू अर्जुन की फिल्म आचार्य का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा और अगर बात करें फिल्म के प्रमोशन की तो फिल्म के लीड एक्टर्स रामचरण, अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े आजकल जोरों शोरों से फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के प्री रिलीज इवेंट भी काफी शानदार तरीके से किया गया। पर फिल्म के प्रमोशन और इवेंट में फिल्म की दूसरी फीमेल लीड काजल अग्रवाल को देखा गया। और इसके पहले कि आप कोई भी अंदाजा लगाए, हम आपको बता दें कि काजल के फिल्म प्रोडक्शन में न जाने का कारण उनकी प्रेगनेंसी है। जी हाँ, अभी हाल ही में काजल ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसके बाद जब उन्होंने फ्लाइट से हैदराबाद में प्रमोशन के लिए जाने की बात की तो रामचरण ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद काजल फिल्म के प्रमोशन के दौरान मौजूद नहीं रही। वैसे ये तो बात है प्रमोशन की, पर अब अगर हम बात करें फिल्म के रिलीज की तो आपको बता दे साउथ के फैंस की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में फैंस चाहते हैं कि फिल्म को ना सिर्फ तमिल बल्कि और भी कई भाषाओं में रिलीज किया जाए। वैसे अगर बात करें पुरानी अनाउंसमेंट की तो ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म को हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, पर अगर बात करें फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की तो फिल्म का ट्रेलर सिर्फ तमिल में ही रिलीज किया गया है। ऐसे में फैंस को हिंदी ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, पर जैसा कि आपको पता है कि आचार्य मूवी को 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, ऐसे में ना तो फिल्म का कोई पोस्टर या ट्रेलर हिंदी में रिलीज किया गया है और न ही इससे जुड़ी कोई भी अनाउंसमेंट आई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं रिलीज किया गया फिल्म के हिंदी ट्रेलर को। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म को तमिल के अलावा और भी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, पर सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर सोर्सेस की माने तो फिल्म आचार्य को सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज किया जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है तो हम आपको बता दें कि शायद आपको याद हो कि अभी कुछ दिनों पहले जब फिल्म RRR के हिंदी रिलीज के लिए करण जौहर ने राइट्स की बात की तब रामचरण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि पैन इंडिया अब सभी साउथ फिल्मों को खुद ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेगी और इसलिए फिल्म आचार्य के लिए बॉलीवुड को राइट्स नहीं दिया गया। अब ऐसे में फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि कब पैन इंडिया फिल्म आचार्य को हिंदी भाषा में भी रिलीज करेगा, या फिर बॉलीवुड से टॉलीवुड की इस अनबन की वजह से फैंस नहीं देख पाएंगे फिल्म आचार्य को हिंदी भाषा में। खैर, ये तो थी फिल्म और फिल्म के स्टार से जुड़ी कुछ बातें। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा क्या आप भी निराश हैं फिल्म के हिंदी में रिलीज नहीं होने से।